हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सुपर फूड जीएस वर्ल्ड का मेंटर और फाउंडर हूं। आज मैं भारत के संविधान विषय पर कुछ वीडियो लेकर आया हूं, जो वन डे एग्जामों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस भारत के संविधान से संबंधित मैंने दो वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो भाग 1 से 8 है और दूसरा वीडियो भाग 9 से 22 तक है। आज भाग 9 से 22 तक मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से आपको वन डे एग्जाम में मददगार साबित होगा। आइए हम बात करते हैं भाग 9 से 22 तक में, तो सभी इम्पोर्टेंट है निश्चित रूप से, लेकिन जब एग्जाम नजदीक हो तो आखिर हमको कौन से भाग ज्यादा से ज्यादा फोकस करने चाहिए। यूं कहें कि जब सर्वाधिक प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न आखिर किस भाग से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण भागों को लिखा है, आप इसको इसी पे फोकस रहें, इसी पे ध्यान रखें। आप जब पढ़ें तो प्रायः इन सब सारे चीजों से जुड़े इफेक्ट को ज्यादातर फोकस करें आप। जैसे भाग 9 में है पंचायतें, 9 का में है नगरीय निकाय, भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, दो संबंधों की चर्चा है इसमें, पहला संबंध विधायी और दूसरा प्रशासनिक, भाग 12 में है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, भाग 14 में है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं यूपीएससी और बीएससी, भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 16 में है कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध, एसटी एससी एंग्लो इंडियन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, इसकी चर्चाएं हैं इसमें, भाग 17 में है राजभाषा जो हमारा हिंदी है, भाग 18 में है आपात उपबंध और भाग 20 में है संविधान संशोधन। इन सभी भागों पर मैं इस वीडियो के माध्यम से भी चर्चा करने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसको लास्ट तक आप देखें, निश्चित रूप से कुछ न कुछ फायदा होगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन सी चीजों पर ज्यादा हमें फोकस करनी चाहिए। पहले बात करें भाग 9 का, भाग 9 में है पंचायतें, इसका जो अनुच्छेद है वो है 243 तक, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं पंचायती राज के उद्देश्य, आखिर क्या है पंचायती राज के उद्देश्य। तो पंचायती राज का जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है। जो आम जनता है, आप गौर से देखें महसूस करें तो पता चलेगा कि लोकतंत्र जो है ना राष्ट्रीय या राजकीय स्तर पर, लेकिन इसको प्रांतीय ग्राम के स्तर तक लाया गया है, गांव तक इसको फैलाने का प्रयास किया गया है, आम आदमी को एक राजनीतिक हथियार देने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से, ताकि लोगों में जन जागरूकता आए, वो अपने कामों को खुद से कर सके, इसी उद्देश्य से लोकतंत्र को लाया गया है। और ये जो पंचायती राज है, लोकतंत्र का जो विकेंद्रीकरण किया गया है, ये कोई नई चीज नहीं है। इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इसके प्रमाण मिल जाएंगे। जैसे वैदिक साहित्यों में, वैदिक काल में देखेंगे तो इसकी चर्चाएं मिलती है। सभा और समिति नाम संस्थाएं थी जो पंचायती राज की तरह ही थी। आगे चलकर चोल शासकों को, चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी में हमारे चोल साम्राज्य आए, उसमें एक सिस्टम था वर्यम प्रणाली, और पंचायती राज की तरह था, स्थानीय स्वशासन की तरह था। आगे चलकर देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में, तो उसमें भी एक सिस्टम था अयंगर प्रणाली, वो भी पंचायती राज की तरह ही था। तो इस तरह से ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हम उसी पंचायती राज की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में जो पंचायती राज हमारे संविधान में लिखा गया है, या आगे चलकर जो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से आया है, इसका मूल उद्देश्य जो है लोगों को राजनीतिक हथियार मिले, राजनीतिक जन जागरूकता के अंतर्गत उनमें एक जागरूकता की भावना आए, और हमारे गांव से ही भावी नेता तैयार हो, वही विधायक बने, सांसद बने, सीएम बने, पीएम बने, ताकि वो जब ऊपरी पायदान पर जाए, राज्य का, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें, तो उनको कोई चीज नई न लगे। इसीलिए जितने भी सेटअप है पंचायती राज के, वो सब संसद की तरह, राज्य विधानमंडल की तरह ही स्थापित किए गए हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पंचायती राज जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में था डीपीएसपी में, जिसमें केवल लिखा गया था ग्राम पंचायतों का गठन, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि डीपीएसपी की जो चीजें हैं वो कानूनी रूप से, लीगल रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, वो सरकारों की इच्छाएं पर डिपेंड करता था कि उसको लागू करें या ना लागू करें। इसलिए हमारे देश में इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी बावजूद इसके बहुत सारी समितियां गठित की गई और उन समितियों ने रिकमेंडेशन दिया, उनकी कुछ कुछ बातें भी लागू की गई। जैसे कौन सी समिति है, ये वन डे एग्जाम के प्रश्न बनेंगे, ध्यान में रखेंगे आप। पहला है बलवंत राय मेहता 1957, दूसरा है अशोक मेहता, तीसरा है जी वी के राव, चौथा है सिंघवी समिति, और कुछ समितियां हैं। इन समितियां का पहले तो आप नाम याद रखें,
इनके वर्ष याद रखें, इनके स्थापित होने का क्रम याद रखें। और उन्होंने कुछ कुछ सिफारिश किया है उसकी बातें मैं एक दो सिफारिशें जैसे आपको बताऊं। जैसे बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज की सिफारिश को त्रिस्तरीय लागू करने का रिकमेंडेशन किया। त्रिस्तरीय, तीन स्तरीय, जैसे पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा खंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की बात की। ध्यान में रखिएगा इसमें इन्होंने मध्य स्तर खंड स्तर की मजबूती की बात कही थी। तो इस तरीके से इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने का सिफारिश किया। आगे चलकर अशोक मेहता, 1977 ईस्वी में अशोक मेहता ने एक और बलवंत राय मेहता के पुत्र थे अशोक मेहता, इन्होंने पंचायती राज को दो स्तरीय स्थापित करने की सिफारिश की, दो स्तरीय। आगे चलकर जेवी के राव, दो स्तरीय में इन्होंने खंड स्तर कहा, खंड सबसे पहले इन्होंने खंड स्तर कहा, खंड स्तर पे मंडल पंचायत और जिला स्तर पे जिला परिषद की बात कही। इन्होंने जिला की मजबूती पर बल देने की बात कही। साथ ही साथ इन्होंने एक और रिकमेंडेशन कर दिया था कि पंचायती राज में एसटी और एससी को रिजर्वेशन मिले, एसटी एससी के आरक्षण की वकालत की। ऐसा नहीं कि यही रिकमेंडेशन है, और बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है आप ध्यान में रखेंगे। जीवी के राव समिति 1985 में गठित हुई। इस समिति ने पंचायती राज को चार स्तर से स्थापित करने की बात करें, त्रिस्तरीय वही बलवंत राय मेहता का, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर, और एक उन्होंने राज्य स्तर पे राज्य परिषद की स्थापना की बात की। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कह दिया कि पंचायती राज में एसटी एससी और महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिले, और इन्होंने पुनः अशोक मेहता के रिकमेंडेशन को ही आगे बढ़ाया और कहा कि पंचायती राज में जिला परिषद को मजबूत करना चाहिए, जिला परिषद की मजबूती पर उन्होंने बल दिया। आगे चलकर एक सिंघवी समिति गठित की गई, संसदीय समिति थी ये सिंघवी समिति 1986 में। इन्होंने कहा, इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का कहा कि जो पंचायती राज हम लोग लागू कर रहे हैं, जैसे बलवंत राय मेहता की सिफारिश को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से लागू किया गया था, लेकिन ये सब सारी चीजें अशोक मेहता के रिकमेंडेशन को कुछ राज्यों में लागू किया गया, जीवी के राव की सिफारिश को भी कुछ राज्यों में लागू किया गया, लेकिन ये असफल होती गई। जब इसकी असफलताएं बार बार आती गई तब फिर विचार किया गया सिंघवी समिति के द्वारा, ये जो असफल हो रहा है इसको संवैधानिक रूप देने के लिए संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया जाए। तो यही संवैधानिक रूप देने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन आया अधिनियम 1992 में, 11वीं अनुसूची जुड़ी, और भाग 9 में पंचायतों का विशेष वर्णन किया गया, अनुच्छेद 243 से 243(9) तक। ध्यान में रखिएगा इसमें कुल जो है लगभग 16 अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद, और इन पंचायती राज को लगभग 29 कार्य दिए गए हैं, 29। ध्यान में रखेंगे ये सारे के सारे फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, भाग 9 आर्टिकल इसके याद रखें, अनुसूची याद रखें, और इसका जो संशोधन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और जब ये संशोधन हुआ 1992 तो इसको आगे चलकर 24 अप्रैल 1993 को पहली बार लागू किया गया मध्य प्रदेश से। ये भी पूछता है कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, 73वां संविधान संशोधन होने के बाद इसको सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। इस तरीके से इसको संवैधानिक रूप दिया गया, और उसी संवैधानिक रूप के बाद हमारे देश में पंचायती राज एक मूर्त रूप ले लिया, जिसमें गांव का विकास पटरी पर आई, नहीं तो पहले तो स्थिति एकदम से जर्जर थी हमारे गांव के। अब राज्य सरकारों के लिए प्रतिवर्ष प्रति 5 वर्षों में इसके लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ इस 73वां संविधान संशोधन में जितनी बातें हैं उसके कुछ कुछ प्रावधानों को आप ध्यान में रखें। 73वां संविधान संशोधन में जैसे इसके ढांचा को ध्यान में रख लें कि कितनी स्तरीय है, और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि ये जो पंचायती राज है राज्य सूची का विषय है, इसमें राज्य सरकारें समय समय पर संशोधन करके इसके विभिन्न प्रावधानों को बदल सकती है, इसीलिए इसको दो स्तरों पर पढ़ना चाहिए, एक तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जिसको संसद ने बनाया, और दूसरा जो भी राज्य इसको लागू कर रही है या जहां ये लागू है उन राज्यों में इसमें कुछ संशोधन करके किए जाते हैं। जैसे 73वां संविधान संशोधन की बात करें, इसमें महिलाओं की आरक्षण की बात 33% है, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारें इसमें संशोधन करके इसको 50% कर दी है, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 50% कर दिया गया है।
इसमें योग्यताओं में बदलाव कभी कभी किए जाते हैं, जो पंचायती राज का सदस्य बनना चाहते हैं उसके लिए योग्यता जो है नॉर्मल योग्यता 73वां संविधान संशोधन में है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें संशोधन करके कभी एजुकेशन सिस्टम को जोड़ देती हैं, तो कभी कुछ शर्तें रख देती हैं कि ज्यादा बच्चे ना हो, इस तरीके से इसके कुछ संशोधन। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इसको दो स्तरों पर आप पढ़कर जाएं, एक 73वां संविधान संशोधन के विभिन्न प्रावधान और दूसरा अपने स्टेट के प्रावधान, जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम उसमें कौन से प्रावधान है, इसको दो बिंदुओं पर पढ़ें तो निश्चित रूप से आप इसके प्रश्नों को बना पाएंगे। एक संक्षिप्त चर्चा था, अब ध्यान में रखेंगे। बात आता है भाग 9 क के लिए हमारे जिस तरह से 73वां जिस समय 73वां संविधान संशोधन हो रहा था उसी समय तुरंत से एक और संविधान उसके साथ साथ संशोधित हुआ, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी अधिनियम 1992 है, ध्यान में रखेंगे, है ना। और इसमें इस प्रावधान को भी हमारे देश में लागू किया गया। इसमें क्या पढ़े हम इसके संवैधानिक प्रावधानों में कि हम प्रश्न को पकड़ लें, इसमें देखिए ध्यान में रखेंगे 74वां संविधान संशोधन के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसके जो भाग है वह है 9 का, इसके जो आर्टिकल है ये 243 से खत्म हुआ 9 से, तो 243 9 के बाद आता है, तो 243 त से य 6 कुल इसमें 18 अनुच्छेद है, ध्यान में रखिएगा, कुल इसमें 18 अनुच्छेद है और नगरीय निकाय को 18 कार्य भी दिए गए, जैसे उधर 16 अनुच्छेद थे तो 29 कार्य, इधर 18 अनुच्छेद तो कितने कार्य, 18 कार्य दिए गए, ध्यान में रखेंगे। कैसे इसमें इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इसके संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले है कि नगरीय निकाय की संरचना 3 प्रकार की होगी, ध्यान में रखेंगे, पंचायती राज त्रि संरचना था, ये नगरीय निकाय 3 प्रकार की है, प्रकार संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी लेकिन प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। 3 प्रकार कौन से हैं, तो जो गांव से जो शहर बन रहे हैं उसके लिए नगर पंचायत का प्रावधान है, इसकी आबादी प्रायः 10,000 से 20,000 होती है। दूसरा जो प्रकार है वह है नगर पालिका, इसकी आबादी 20,000 से 3,00,000 होती है। और तीसरा है नगर निगम जिसकी आबादी 3,00,000 से अधिक होती है। ये 3 प्रकारों का बात किया गया है नगरीय निकाय में, ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ इसके अन्य कुछ और भी प्रावधान हैं, जैसे जिसकी आबादी 3,00,000 से अधिक है वहां वार्ड समितियों का गठन होगा, जिसकी आबादी 10,00,000 से अधिक है उसको राज्यपाल चाहे तो महानगर घोषित कर सकते हैं, जो औद्योगिक बहुत क्षेत्र है उस राज्य को उस शहर को उस जगह को राज्यपाल चाहे तो औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं। इस तरीके से इसके विभिन्न तरह के प्रावधान हैं, ध्यान में रखेंगे। तो उन प्रावधानों को आप थोड़ा पढ़ लें कि किस तरह का सेटअप है, इनके लिए कौन कौन से काम दिए गए हैं, जैसे इनके 18 कामों को देखें तो उन कामों को याद कर लें। उसके कुछ कुछ उससे प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि नगरीय निकाय को निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं दिए गए हैं, तो वो आप 18 कामों को ध्यान में रखें, पंचायती राज के 29 कार्यों को ध्यान में रखें, प्रॉपर ये सब चीजें फोकस रहने वाली चीजें हैं जिससे अक्सर प्रश्न पूछता है। इनके प्रकारों का जो मैं आबादी का जिक्र किया उसको ध्यान में रखें, इसकी संरचनाओं को ध्यान में रखें कि कैसे कैसे कौन कौन से बॉडी की स्थापना, तीनों जो संस्थाओं का बात किया तीनों का गठन प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सब चीजों को ध्यान में रखें इसे। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें मेल खाती है, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन से बहुत सारी चीजें मेल खाती है, ये गाँव के लिए बना तो ये शहरों के लिए बना, ध्यान में रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं 11वीं भाग 11। हाँ फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं भाग 11 का। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाग 11 और 12 एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखेंगे। इससे बहुत सारे फैक्ट वनडे एग्जाम के साथ साथ कभी आप मेंस रिटेन एग्जाम भी देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाग 11 में केंद्र राज्य के 2 संबंधों की चर्चाएं हैं, एक विधायी संबंध दूसरा प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंधों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक है। आगे हम लोग वित्तीय संबंधों की चर्चा करेंगे, पहले हम लोग बात करें विधायी और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध के स्पष्ट प्रावधान के लिए संविधान में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। ये 7वीं अनुसूची 3 सूचियों से जिसमें 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है, अभी 97 पहले 100 थे,
राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 थे, और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले जो 47 था, ये ध्यान में रखेंगे। अभी 97, 61, और इसका क्रम भी पूछता है कि सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम में है, कम से अधिक की ओर व्यवस्थित करें, ऐसे करके कौन सी कुछ चीजें हैं सो राज्य सूची से संवर्ती सूची में आई है उनका भी नाम पूछता है, वो सब थोड़ा लिस्ट देख लें। जैसे संघ सूची में बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर की चीजें रहती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, करार, मुद्रा, बैंक, वित्त, जनगणना, ये सब, रक्षा, प्रतिरक्षा, ये सब चीजें रहती हैं। राज्य सूची में राज्य की बातें रहती हैं, कृषि रहेगा, पंचायती राज, स्टेट पीएससी की चीजें, ये सब जितनी चीजें हैं छोटी छोटी चीजें वो राज्य का है। और समवर्ती सूची में जिसपे दोनों कानून बनेंगे, जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब चीजें, स्वच्छता, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में केंद्र संसद कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाती है। लेकिन मतभिन्नता होने के मामले में संघ का केंद्र का कानून ही वैध होता है, ध्यान में रखेंगे। और इस ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए, इसी सिस्टम को और मजबूती प्रदान करने के लिए संघात्मक ढांचे का प्रावधान है, संघात्मक ढांचा, जिसको हम लोगों ने कनाडा से लिया, मतलब कि कोई एक दूसरे के कार्यों पे हस्तक्षेप न करेगा। लेकिन परिस्थितियां कभी ऐसी आती हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें संघ संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ये मेंस के भी प्रश्न रहते हैं कभी, और प्री के तो ये वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो कुछ मैं बातों पर चर्चा कर रहा हूं जिस पर संसद है सो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, जैसे कि दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन इस अनुरोध, अगर ऐसा कानून बनता है तो उसी राज्यों में वो लागू होगा जिन राज्यों ने इसका अनुरोध किया है, और अन्य राज्य चाहें तो उसको लागू कर सकती है। दूसरा कंडीशन, अगर राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस मुद्दे पर भी संसद कानून बना सकती है। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उस विषय पर कानून बना सकती है संसद, और वह कानून पूरे राष्ट्रपति शासन हटने तक कंटिन्यू जारी रख सकती है, राज्य सरकार रहती भी है। राष्ट्रीय आपात के समय अगर देश में आपातकाल लगा है, 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उस कंडीशन में संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे, लेकिन हाँ 6 माहों के बाद वो अवैध हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है, इसके अलावे और बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन इन कंडीशनों को याद रखेंगे जिसपे संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें प्रशासनिक संबंधों की, तो प्रशासनिक संबंध जो कानून के क्रियान्वयन से संबंधित बातें हैं जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 256 से 63 में, ये प्रशासनिक संबंधों में पहले ये जान जाए कि संसद जिस विषय पर कानून का निर्माण करती है उसका क्रियान्वयन केंद्र की कार्यपालिका शक्ति करती है, और राज्य विधानमंडल जिस विषय पर कानून का निर्माण करती है उसका क्रियान्वयन राज्य की विधायिका करती है। इसमें मैं वो कंडीशन आपको बताने वाला हूं जिस कंडीशन पे राज्य की कार्यपालिका से शक्तिशाली केंद्र की कार्यपालिका होती है, वह कौन सा कंडीशन है। तो केंद्र की कार्यपालिका राज्यों पर नियंत्रित कर राज्यों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका राज्य सरकारें केंद्र को नियंत्रित नहीं कर सकती। ऐसा कैसे, किस कंडीशन में होता है, तो देखिए मैं कुछ कंडीशन इसमें भी बता रहा हूँ जिसपे कार्यकारी रूप से केंद्र जो है सो ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है, तो केंद्र सरकार अपनी जब कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग करती है तो उस कंडीशन में राज्य सरकारें जो है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई आदेश नहीं दे सकती, लेकिन केंद्र आदेश राज्यों को दे सकती है। और कौन सी कंडीशन है जिसमें केंद्र की कार्यपालिकीय शक्ति मजबूत होती है, तो और वह कंडीशन राज्यपाल की नियुक्ति में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, एसटीएससी के कल्याण में, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में, मातृभाषा में शिक्षा देने के आदेश जारी करके, तो ये कुछ आदेश ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें हमें महसूस होता है, पता चलता है कि केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका से मजबूत है। और साथ ही साथ जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है तो पूरी की पूरी कार्यपालिकीय शक्ति केंद्र में चली जाती है, राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। तो ये कुछ कंडीशन को आप याद रखेंगे जिसमें पता चलता है कि प्रशासनिक रूप से केंद्र है सो ज्यादा शक्तिशाली है।
बात आगे करें कि ये संबंध बड़े ही विवाद के सुर रहते हैं। अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में विवाद होते रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य में, केंद्र की सीबीआई और राज्य सरकार की पुलिस में इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया। तो इन तरह के मामलों पर निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर हो गए हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में कहने का मतलब कोई नया विवाद नहीं है, अक्सर विवाद चलते आ रहे हैं। जब से संविधान बना संघात्मक ढांचे को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं और इस तरह के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। वही ऑथराइज्ड बॉडी है हमारे देश में जो केंद्र राज्य संबंधों पर विवाद का निपटारा करता है। और समय समय पर इसमें के रिश्तों में सुधार के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इनके मजबूत संघात्मक ढांचे की मजबूती के लिए समय समय पर बहुत सारी समितियां गठित हुई हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग। ये सब आयोगों का नाम ध्यान में रखें, ये केंद्र राज्य संबंधों पर गठित की गई है। 1966 में सरकारी आयोग, 1982 में कुंछी आयोग, मदन मोहन कुंछी, 2003 में इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों की मजबूती के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं। इनके रिकमेंडेशन को थोड़ा देखें, कम से कम इन समितियों के नाम और ईयर तो जरूर ध्यान में रखें आप, ठीक है। और साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंधों की मजबूती के लिए, संघात्मक ढांचे की मजबूती के लिए बहुत सारे आयोगों का, परिषदों का भी गठन किया गया है, जैसे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद जो अब इतिहास का विषय रह गया, नीति आयोग, ये सब जो संस्थाओं को आप देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर गठित समितियां हैं, इन्हें भी ध्यान में रखें, ये भी वनडे एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरीके से केंद्र राज्य संबंधों की मैं संक्षिप्त चर्चा किया, ध्यान में रखेंगे इससे ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हम इस पर बात करें, इसके संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, वित्तीय संबंध की, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भाग 12 में है। वित्त का मामला बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। राष्ट्र का, राज्य का विकास बिना वित्त का नहीं हो सकता, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसको एक अलग भाग के रूप में रखा गया है। और बड़ा बहुत ज्यादा अनुच्छेद है, आप अनुच्छेदों के माध्यम से भी इसकी महत्ता को आप ध्यान में रख सकते हैं। अनुच्छेद 264 से 300 तक केवल केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चाएं हैं। वित्तीय संबंधों में सबसे पहले इस संबंध को, संघात्मक ढांचे में वित्तीय संबंधों की मजबूती के लिए हमारे देश में वित्त आयोग का प्रावधान है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। गठन की बात करें, इसका गठन प्रत्येक 5 सालों में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 सालों में राष्ट्रपति गठन करते हैं, या एक हमारे देश में अनुच्छेद में उल्लेख है तो संवैधानिक आयोग है। हमारे देश में एक सलाहकारी निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है, जो राष्ट्रपति को समय समय पर सिफारिश करती है। अभी हम चर्चा करेंगे कौन सी सिफारिश। इसकी संरचना की बात करें तो ये 5 सदस्यीय आयोग है, हमारा वित्त आयोग 5 सदस्यीय आयोग है। 5 सदस्यों में जो इसके अध्यक्ष रहते हैं और उनके लिए योग्यता निर्धारित है कि वो सार्वजनिक मामलों का जानकार हो, और जो 4 सदस्य रहते हैं उनके लिए योग्यता है, पहले सदस्य जिनके लिए योग्यता है कि वो वित्त का ज्ञाता हो, वित्त का विशेष अनुभव रखते हैं, दूसरे वित्तीय प्रशासन का अनुभव रखते हो, तीसरे अर्थशास्त्र का अनुभव रखते हो, और चौथे हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। और जो अध्यक्ष बनेंगे इसके, इसके लिए है सार्वजनिक मामलों के कुछ जानकार रखते हैं। तो इस तरीके से 5 सदस्य आयोग का गठन करते हैं, प्रत्येक 5 सालों में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना ध्यान में रखेंगे, इसकी संरचना से अक्सर प्रश्न आते हैं। हमारे देश में अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं, 15 वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग के चेयरमैन थे केशिनी योगी, अभी जो वित्त आयोग है हमारे देश में उनका कार्यकाल है 2015 से 2020, जिसके अध्यक्ष है हमारे जो वित्त आयोग है उनके विजय वाई बी रेड्डी, सॉरी वाई बी रेड्डी इसके चेयरमैन है। और आगामी वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है हमारे देश में, आगामी वित्त आयोग के चेयरमैन है जिनका कार्यकाल 20 से 25 शुरू होगा, एनके सिंह हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान में रखेंगे 2-3 वित्त आयोगों को आप ध्यान में रखें, पहले याद रखें, वर्तमान याद रखें और आगामी याद रखें। प्रथम हमारे केशिनी योगी, अभी वर्तमान में हमारे जो है वाई बी रेड्डी, और आगामी जो 20 से 25 के लिए गठित हुए हैं वो है एनके सिंह। इनके सिफारिश से ये केंद्र और राज्यों, अभी के जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग जो है, जो ढांचा है हमारा 5 सदस्य, उन्होंने सिफारिश किया है कि राज्यों को, जो केंद्र सरकार जो राज्यों से पैसे वसूलती है उसका कुल हिस्से का लगभग लगभग 40% हिस्सा राज्यों को मिले। कुल हिस्से जितना राज्यों से वसूला जाता है उसका लगभग 40% हिस्सा किसे मिले, राज्यों को। लेकिन ये राष्ट्रपति के लिए मान्य बाध्यकारी नहीं है। प्रायः जितनी भी समितियां आयोग रहती हैं उसके रिकमेंडेशन
केंद्र के लिए राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी नहीं होता, ध्यान में रखेंगे प्राय। तो इस तरीके से इसके सिफारिशों को ध्यान में रखेंगे। सिफारिशों के सिफारिश करने के बहुत सारे अहर्ताएं हैं, तथ्य हैं, पक्ष हैं, उन पक्षों को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग इसकी सिफारिश करता है। और हाल ही में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के मजबूत ढांचे के लिए एक और परिषद की स्थापना की गई है जिसका नाम है जीएसटी परिषद। हाल में भारत में बहुत बड़ा आर्थिक सुधार हुआ है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की बात करें, विमुद्रीकरण और जीएसटी, तो जीएसटी को सफल रूप से क्रियान्वित करने के लिए हमारे देश में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक परिषद है जिसका उल्लेख 279 क में है, अनुच्छेद 279 क में जीएसटी परिषद का प्रावधान है। इसका जो गठन किया गया है वो 12 सितंबर 2016 को हमारे देश में जीएसटी परिषद आया। इसकी संरचना, इसके अध्यक्ष होते हैं तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, वे इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरुण जेटली जी हैं। और इसके सदस्य राज्य सरकार का वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य रहते हैं। लगभग इसके अभी 33 सदस्य हैं। इनका कार्य क्या है? तो भारत में जो जीएसटी, जो हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है, अप्रत्यक्ष कर के ढांचे में बहुत बड़ा जो बदलाव आया है उसको क्रियान्वयन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जीएसटी के और बहुत सारे फैक्ट हैं, अक्सर चर्चा का विषय है आने वाले समय में, या अभी के परिवेश में बहुत सारे प्रश्नों को जीएसटी से पूछ रहे हैं। ये संवैधानिक पक्षों को मैं बताया हूँ, इसके व्यावहारिक पक्ष को भी थोड़ा ध्यान में रखूँ। थैंक यू।